अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी बिल्कुल, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी टाटा IPL 2023 ड्रोन शो। मिलकर देखते हैं ये ओपनिंग सेरेमनी कैसी थी टाटा IPL की, और फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन तो प्रेस करना मत ही भूलिए। चलिए
बात है जी, जबरदस्त अमेजिंग ओपनिंग सेरेमनी थी आईपीएल की। मजा आ गया लाइट शो को देख के, अमेजिंग नजारा था। कल मैंने ओपनिंग सेरेमनी का देख रहा था, वो अरिजीत सिंह की परफॉर्मेंस वो भी लाजवाब थी, मजा आ गया उसको देख के भी। और ये नजारा तो कल मैं नहीं देख सका, तो ये जो वीडियो बनाई गई है ये भी कमाल है, अमेजिंग। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ओपनिंग सेरेमनी, और देखिए दुनिया की बेहतरीन लीग, दुनिया की कह जाए तो नंबर वन लीग जो है ना, उसकी जो ओपनिंग भी इस दफा, दुनिया का सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का बड़ा मेला और आईपीएल, जिस तरह से इसको सजाया और मनाया और दिखाया जाता है, मेरा ख्याल कोई भी और इवन वर्ल्ड कप भी इस तरह से नहीं देखा जाता। और दूसरी बात, एक जो जुनून कल देखा गया पूरे स्टेडियम में, एक जो व्यू दिखाते हैं ना पूरे वो स्टेडियम का, कमाल ही था। बहुत ही बड़ा स्टेडियम और बहुत बड़ी तादाद में भारतीय आए हुए थे, और पहला मैच हुआ धोनी और गुजरात की, और दूसरा जो गुजरात की टीम है पांड्या का, जो कैप्टन है पांड्या की भी एनर्जी कमाल की रहती है, मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट प्लेयर है पांड्या। खैर पाकिस्तान के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है हमेशा से ही, लेकिन हमें डर रहता है कि बस ये चला के चला, अब जैसे पहले कोहली का हुआ करता था। लेकिन बेहतरीन देखें जी, एनर्जेटिक क्राउड है, और
क्रिकेट से लव करने वाले लोग हैं और क्रिकेट जिस हद तक जिस जुनून के जो है ना हिंदुस्तानी जो है ना क्राउड जो है ना जो क्रिकेट से लव करता है किसी कंट्री का जो है ना वो क्राउड ऐसे नहीं करता, ऐसा जुनून ऐसा जज्बा नहीं देखने को मिलता कि हर स्टेडियम देखें। गुजरात का जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया जो मोदी जी के नाम के ऊपर बनाया गया था, उसमें भी हाउस फुल रहते हैं। शायद ये ओपनिंग सेरेमनी पता नहीं कौन से स्टेडियम में हुई है, ये उसी स्टेडियम में ही है गुजरात में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई है और बेहतरीन तरीके से। और दूसरा एक बात और कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होते थे आईपीएल में हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा होता था उसमें। एक दफा जब देखा गया शुएब अख्तर जब आया, बहुत सारे मैचेस हो चुके थे लेकिन उसने ज्वाइन जब किया पहला ही मैच खेला तो भरपूर उसकी जीत हुई, शाहरुख खान की टीम में था और शाहरुख खान उसकी गोद में चढ़ गया छलांग मार के, तो बड़ा ही मजेदार उस टाइम हुआ करते थे। मजेदार तो खैर अब भी है लेकिन इन दूरियों ने इन सारी चीजों ने वो बहुत सारा मजा छीन लिया है खासकर से हमसे, उसमें दोष किसी और का नहीं, हम और हमारी हुकूमत का छोड़े जी उस चीज को, लेकिन बेहतरीन सेरेमनी है और बेहतरीन तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया और जिस तरीके से लाइटिंग बनाई गई, आई थिंक जो उन्होंने ट्रॉफी की जो रोनमाई की ट्रॉफी बहुत प्यारी है इस दफा, बहुत प्यारी है। लेकिन आपने इस चीज पे गौर नहीं किया कि ये 83 वाली जो ट्रॉफी कपिल देव सर जीत के लाए थे ये उसकी हूबहू मुझे कॉपी लग रही है। आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मुझे तो इसी यही लगा कि जो लाइटिंग में जो नजर आ रहा था वो 83 वाली ट्रॉफी की जो थी ना रोनुमाई हो रही थी, तो मुझे तो यही लगा। आई होप सो कि इस दफा देखें कौन सी टीम जो है ना वो इस ट्रॉफी को हासिल कर पाती है, जो भी बेहतर खेलेगी वो जीतेगी। लेकिन जो आवाम को जोश जज्बा और बेहतरीन क्रिकेट मिलने वाली है वो सिर्फ आईपीएल ही दिखा सकता है, तो एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन लीग है आईपीएल, देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है हमारे पाकिस्तान में होती है हर दफा ही, वो आइमा बेग का एक गाना और दो तीन और तो बस दिन दिन में उसको खत्म करके निकल जाते हैं। सर जो थोड़ा सा जो है ना वो इंडिया में थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा सीख लें, कुछ खर्चा भी इतना करते हैं लेकिन कुछ इस लेवल को टच करें। नहीं खर्चा खुर्चा तो कोई इतना होता बजट ही बेचारों के इस दफा तो बिल्कुल भी नहीं था। खैर लेकिन मैचेस पीएसएल के भी बड़े मजेदार हुए इस दफा, बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए, जबरदस्त मजा आया देखने को। अब देखते हैं आईपीएल और आईपीएल के तगड़े मुकाबले भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।